हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS-209 सब्जेक्ट है हमारा, इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। IPv4 में IP एड्रेस का साइज़ कितना होता है? तो IPv4 एड्रेस का साइज़ होता है 4 बाइट। तो 4 बाइट, 1 बाइट के अंदर होते हैं 8 बिट। तो यहाँ पर बिट्स में पूछा है, तो 8 बिट 1 बाइट में होते हैं, तो 4 बाइट में हो गए हमारे 32 बिट। तो इसका आंसर है हमारा 32 बिट। यहाँ पर ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है कि द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इज IPv4 इज 32 बिट्स। तो ये दोनों के लिए है, बाईलिंगुअल क्वेश्चंस बने हुए हैं ये, तो दोनों के लिए ही कंफर्टेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेट क्या है? एक सिंगल नेटवर्क, भिन्न नेटवर्कों का विशाल समूह, एक दूसरे से जुड़ा लोकल एरिया नेटवर्क, एक दूसरे से जुड़ा वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो हमारा इंटरनेट है ये है हमारा भिन्न नेटवर्क्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, इसलिए ये है भिन्न नेटवर्कों का विशाल समूह। तो ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा बी, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। व्हाट इज इंटरनेट? ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, SMTP किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो SMTP होता है शॉर्ट मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें से हम देख लेंगे कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। तो हमारा जो डी वाला आंसर है वो है इसका आंसर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट द्वारा संचार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट के लिए हमारा मतलब इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल नेसेसरी है ये है TCP/IP, जो कि हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा नाम है, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये है हमारा TCP प्रोटोकॉल किस परत पर कार्य करता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि TCP ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्च करेंगे इसमें कि बी जो ऑप्शन है हमारा ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो TCP जो है हमारा ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, तो ये ट्रांसपोर्ट परत का प्रोटोकॉल है। इसके बाद हमारा जो छठा क्वेश्चन है ये है, इंटरनेट या TCP मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो इंटरनेट मॉडल, दो तरह के मॉडल होते हैं, एक तो इंटरनेट मॉडल होता है और एक दूसरा OSI मॉडल होता है। तो OSI मॉडल और इंटरनेट मॉडल दोनों अलग अलग है, एक में 7 लेयर होती है, एक में 5 लेयर होती है। तो इंटरनेट या TCP/IP मॉडल, इसमें होती है हमारी 5 लेयर और OSI मॉडल में होती है हमारी 7 लेयर। तो इसमें होती है हमारी, आंसर है वो है इसका बी, 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण माध्यम के सबसे पास कौन सी परत होती है? तो जो हमारा ये कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पर, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट या TCP/IP मॉडल में 5 लेयर होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इस तरह से 5 परत होती है। तो इनमें से जो सबसे नीचे वाली परत, जो कि ट्रांसमिशन मीडियम के पास होती है, वो कौन सी होती है? तो हमें पता है कि सबसे नीचे जो परत होती है वो होती है हमारी फिजिकल लेयर। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि फिजिकल लेयर जो है वो संचरण माध्यम के सबसे पास में होती है। इसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है, नेटवर्क परत और एप्लीकेशन परत के मध्य कौन सी परत होती है?
तो अभी मैंने आपको बताया कि नेटवर्क और एप्लीकेशन के मध्य कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। सबसे पहले होती है, सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर, उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारी पांच लेयर होती है। इसमें तो हमें पूछा है कि नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है, तो इसका आंसर है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, जो फोर्थ लेयर है हमारी नीचे से। सबसे पहले फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद फिर हमारी होती है एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद है हमारा ये HTML किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब HTML की फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा हमें पता है कि HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम सर्च करेंगे इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, जो पहला ऑप्शन है वही है इसका आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है सबसे छोटे हेडिंग के लिए कौन से HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो हमें पता है कि छह तरह के हेडिंग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो H1 जो होता है हमारा सबसे बड़े हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि मतलब जब H1 सबसे बड़े हेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो जो हमारा H6 है वो सबसे छोटे हेडिंग के लिए यूज़ होगा। तो इसका आंसर है हमारा H6। फिर है रेखा अवरोध के लिए निम्न में से उपयुक्त HTML एलिमेंट कौन सा है। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक। मतलब एक HTML पेज में जब हम लाइन ब्रेक करते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन पर कर्सर को ले जाना है, तो वो कौन से टैग, मतलब कौन से HTML एलिमेंट के थ्रू किया जाता है। तो br है, hr है, ब्रेक है, और ये lb है। तो इसका आंसर है br। br मतलब ब्रेक, ये लाइन ब्रेक करता है। तो इसका आंसर है हमारा br टैग है, जो कि ये लाइन ब्रेक का काम करता है। इसके बाद है हमारा किसी लेखन को हाईलाइट करने के लिए उपयुक्त HTML एलिमेंट कौन सा है। तो किसी टेक्स्ट को, मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर हमें हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हमारा कौन सा HTML एलिमेंट यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग टैग है, ये स्ट्रॉन्ग टैग हमारा यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, मतलब बोल्ड करने के लिए। उसके बाद हमारा सुपर स्क्रिप्ट, तो ये हमें पता है कि जैसे पावर लगाते हैं हम, तो उसके लिए यूज़ होता है x स्क्वायर, तो वहाँ पर ये यूज़ होगा। बी हमें पता है कि बोल्ड जो भी टेक्स्ट इसके बीच में लिखेंगे वो बोल्ड कर देगा। तो हमारा टेक्स्ट, ये टैग बचा मार्क। तो ये मार्क जो करता है, ये करता है हाईलाइट करने का काम, जो इसके बीच में हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको ये हाईलाइट कर देगा। तो इसका आंसर है मार्क। इसके बाद है हाइपरलिंक बनाने का सही तरीका कौन सा है। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं ए, जिसका नाम होता है एंकर टैग। और इसके लिए हमारा करेक्ट सिंटेक्स क्या है, अगर आपने यूज़ किया है तभी आप बता सकते हैं इसको, कि इसके अंदर ए के बाद आता है HREF, हाइपरलिंक रेफरेंस। तो इसके बाद हमें देना होता है उस साइट का नाम जहाँ पर हम लिंक को, मतलब जब हम क्लिक करें तो ये उस लिंक पर पहुँच जाए, उस पेज पर चला जाए। तो ये यहाँ पर हमने जो नाम दिया हुआ है डबल कोट्स में सी वाले ऑप्शन में, तो http://www.google.com, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर गूगल नाम दे रखा है, और ये ए। तो हमारा जो सी वाला है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसका आंसर है हमारा सी, क्योंकि URL नहीं आता है यहाँ पर, आता है आपके HREF आता है, हाइपरलिंक रेफरेंस। इसके बाद है एंड टैग दर्शाने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्टिंग टैग, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग टैग और एंड टैग सिमिलर होते हैं, बस एक चीज़ का डिफरेंस होता है, एक सिंबल का। आप बता सकते हैं आराम से, जो अ है
ये सिंबल जो फॉरवर्ड स्लैश होता है एंड टैग के अंदर लगाया जाता है हमारा, जैसा कि आप यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में 13 वाले में देख रहे हैं कि ये ए जो है स्टार्टिंग टैग है और गूगल के बाद जो लिखा हुआ है ये एंड टैग है, तो एंड टैग में फॉरवर्ड स्लैश फिर ए लिखा हुआ है, तो यही सिंबल हमारा लगाया जाता है एंड टैग के अंदर। इसके बाद हमारा है एक जावा स्क्रिप्ट को किस भाग में रखा जाना उचित है, मतलब जावा स्क्रिप्ट को कौन कौन से सेक्शन में हम रख सकते हैं एचटीएमएल पेज के। तो जैसे कि हमारे सेक्शन होते हैं एचटीएमएल में, हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है, टाइटल सेक्शन होता है, तो कहाँ कहाँ हम इसको जावा स्क्रिप्ट को रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारा है बॉडी सेक्शन और हेड सेक्शन, हम दोनों ही जगह इसको रख सकते हैं। हम बॉडी सेक्शन में भी जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम हेड सेक्शन में भी जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा वो है द, हेड और बॉडी दोनों भागों में रखा जा सकता है। इसके बाद है हमारा एक एचटीएमएल पेज में निम्न में से किस टैग का उपयोग जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने में किया जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए इनमें से कौन से टैग का यूज़ किया जाता है, तो हमें पता है कि स्क्रिप्ट टैग जो है वो हमारा जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है हमारा ए स्क्रिप्ट। उसके बाद है हमारा ये एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है abc.js, js यहाँ पर है जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन है ये जावा स्क्रिप्ट फाइल का, तो ये हमारी एक स्क्रिप्ट है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, और इसके संदर्भ में लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो ये पूछा है कि अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है हमारे पेज में तो इसको लिखने का सही तरीका कौन सा है, तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है स, या इंग्लिश में देखें तो सी ऑप्शन जो है हमारा स्क्रिप्ट, फिर src मतलब सोर्स, सोर्स जो फाइल है हमारी वो कहाँ है, क्या है abc.js, तो हमारा जो सी ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं html5 जो वर्जन है इसमें डॉक टाइप को लिखने का उचित तरीका कौन सा है, तो इसमें चार ऑप्शन मिले हैं आपको, तो इसमें मतलब जो राइट ऑप्शन है वो है बी वाला, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप और फिर एचटीएमएल बी। फिर यह है एक क्वेश्चन, यदि एक इमेज दिखाई नहीं दे रही है तो उस इमेज की जगह टेक्स्ट मैसेज कौन सा एचटीएमएल एट्रीब्यूट दिखाता है। तो अगर हमें इमेज टैग का पता है कि इमेज टैग कैसे काम करता है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि अगर हमने एक इमेज शो कराई है और अगर वो इमेज मिलती नहीं है या कुछ भी एरर आती है, तो फिर उसके लिए हमारा मैसेज डिस्प्ले होता है अल्टरनेट, मतलब वो इमेज का अल्टरनेट होता है। अगर इमेज डिस्प्ले हो जाती है तो वो मैसेज दिखाई नहीं देता है, अगर इमेज नहीं दिखाई देती है तो फिर उसकी जगह वो मैसेज दिखाई देता है, तो इसके लिए हमारा जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है इमेज टैग में वो है अल्टरनेट, कि जब हमारी इमेज नहीं दिखाई देगी तो उसकी जगह ये अल्टरनेट के अंदर हम जो भी मैसेज देंगे वो, तो ये ऑल्ट जो एट्रीब्यूट है ये काम करता है इमेज की जगह टेक्स्ट मैसेज दिखाने का, तो इसका आंसर है हमारा ऑल्ट टैग ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हमारा, कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट एक डॉक्यूमेंट का टाइटल दर्शाता है। तो सिंपल सा मतलब इसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट एक डॉक्यूमेंट का टाइटल दर्शाता है, मतलब एचटीएमएल एलिमेंट का टाइटल इनमें से कौन सा एलिमेंट टैग बताता है हमें किस नाम से हमारा डॉक्यूमेंट जाना जाएगा। तो सिंपल सा मतलब टाइटल से आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है इसका आंसर कि कौन सा टैग बता सकता है, टाइटल टैग। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसी में आंसर छिपा हुआ है इसका, कि टाइटल टैग जो है हमारा ये हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का
टाइटल भी बताता है। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, आगे भी और भी क्वेश्चन है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।